यूपी में सियासी हलचल के बीच सपा का मास्टर स्ट्रोक, अखिलेश यादव ने दे दिया ब्राह्मण संकेत। अखिलेश यादव ने लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद माता प्रसाद पांडे को यूपी विधायक में विपक्ष का नेता चुना गया। उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर से आप सपा ने पर्दा उठा दिया है। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ब्राह्मण फेस पर मुहर लगाते हुए सिद्धार्थनगर की इटावा विधानसभा के विधायक माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के सियासी हलचल के बीच मास्टर स्ट्रोक चलाते हुए ब्राह्मण संकेत भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी दिन से चल रही चर्चा के यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अब विराम लग गया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सपा ने माता प्रसाद पांडे को चुना है। सांसद बनने से पहले इस पद को सपा चीफ अखिलेश यादव अपने पास रखा करते थे। माता प्रसाद पांडे ने बताई नेता प्रतिपक्ष बनने की कहानी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद माता प्रसाद पांडे ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने बुलाया, मुझे साथ बिठाया, मुझसे पूछा। मैंने कहा जैसा आप चाहें। फिर जैसे मैं गया मेरे पास फोन आया, दोबारा फिर बुलाया और एक ऐलान कर दिया कि आप नेता प्रतिपक्ष होंगे। केशव प्रसाद मौर्य पर कसा तंज। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस पोस्ट पर जिसमें उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बधाई देते हुए अखिलेश यादव के इस फैसले को मीडिया के साथ धोखा करार दिया, कहा कि केशव प्रसाद मौर्य पिछली जाति के जन्मे इसलिए नेता हैं। मैं संघर्षों से नेता बना हूँ। माता प्रसाद ने आगे कहा कि मानसून ऑफर और विंटर ऑफर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा तय करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी के अंदर आग लगी हुई है। वही बलिया के सांसद सनातन पांडे ने क्या कहा। बलिया के सांसद सनातन पांडे ने एक न्यूज से बात करते हुए कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजन है, सबको साथ लेकर चलते हैं, ब्राह्मण भी हो और ठाकुर भी पीडीए का हिस्सा है। गरीब ब्राह्मण गरीब ठाकुर भी पीडीए का हिस्सा है। ब्राह्मण नेता संतोष पांडे ने एक न्यूज चैनल में कहा, ऋतिक पांडे के परिवार के साथ अन्याय हुआ है, हम सब लोग वहां पर गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का साफ संकेत है कि हम सभी के साथ हैं और जिसके साथ अन्याय होगा हम उसी के साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।